मेंबर के दो और सदस्य वहां पर झुककर कहीं को स्पर्श करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, पोस्ट को स्पर्श करते हैं और यहां पर और इसी तरीके से और यहां पर तीसरे मुकाबले की शुरुआत होते हुए और देखना होगा। और यहां पर बहुत ही शानदार तरीके से काफी तेजी के साथ बैटिंग के सहारे यहां पर अंकों का पहिया यहां पर शुरू कर दिया है देव एकेडमी के लीडर ने अपने टीम के लिए। और यहां पर काफी शानदार यहां पर सफलता दिखलाई, बुद्धि दिखलाई, एक बेटर थोड़ी सी उड़ान भरी वहां पर और उस उड़ान में सफलता प्राप्त हुआ यहां पर और एक अंक यहां पर हासिल कर, दो अंक हासिल करते हुए माफ कीजिएगा दो अंक हासिल किया, बहुत शानदार है। जी हाँ बिल्कुल, आगाज तो बहुत अच्छा हुआ है और अंजाम इसका क्या होगा कितना मुश्किल है। और फिर से चल जा रहे हैं घर में पॉइंट लेकर आ रहे हैं, ये अच्छा संकेत है कि कोई भी अब तक जो रेड है अब तक लेकर नहीं गया है, अच्छी शुरुआत कही है। और एक बार फिर से टैकल किया है कमाल के तरीके से सारे खिलाड़ी पहुंचे थे देव एकेडमी के और देव एकेडमी की सारी भाषाएं कुछ मजबूत लग रही है पैसाने की तुलना में, हालांकि टीम कोच पर कोई कमजोर नहीं होती, कमजोर होती है सबकी इच्छा शक्ति, कमजोर होती है एकजुटता दिखाते हुए और देव एकेडमी के खिलाड़ी को धराशायी कर दिया और टेकल पॉइंट बनता हुआ बिल्कुल। लेकिन इस खिलाड़ी की तारीफ करने के लिए कैसे अपने एक बच्चों के बल पूरे बल को टर्न कर रहे थे, घुमा रहे थे, तो देखने वाले काबिल तारीफ की बात थी। जो भी हो ऑटो पर वापस जाना जरूर पड़ा यहाँ पर और दोनों टीम इस समय काफी कड़ी मशक्कत के साथ इस समय आपस में फिरती हुई इस कांटे संघर्ष से मुकाबले में वैशाली और देव एकेडमी की टीम इस समय जद्दोजहद करते हुए संघर्ष करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए दो टीम फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। पटना की टीम गया की टीम को 36 अंकों से पराजित किया, यानी 36 बड़े अंतर से यानी कि पराजित कर प्रवेश किया और वहीं बक्सर की टीम ने भोजपुर की टीम को 7 अंकों के अंतर से पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। और तीसरी टीम कौन होगी उसके लिए इस समय आपस में संघर्ष चलता होगा और बहुत ही तेजी के साथ टो को स्पर्श किया टो के सहारे और इस तरह से भुला जाओ फर्स्ट कॉल कोशिश इस समय आ
इस समय वैसा ही के खिलाड़ी काफी शानदार तरीके से टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके तरफ से तीन खिलाड़ी ने अपने आप को झोंक दिया और इस तरह से दो पॉइंट मिलते हुए वैशाली की टीम को और शानदार तरीके से अपने जबरदस्त आत्मविश्वास को झाका था और आत्मविश्वास जब आपके पास होता है तो सब कुछ होता है। बिल्कुल जब आपके आत्मविश्वास से काफी मजबूत होते हैं तो काफी चपलता के साथ और पूरी दुगनी ऊर्जा के साथ आपके सामने वाले खिलाड़ी को कहीं ना कहीं भेजने में सफलता हासिल प्राप्त करते हैं। चार खिलाड़ी इस समय कोर्ट में मौजूद थे, कोशिश जरूरी स्पर्श करने की लेकिन पांच खिलाड़ी से खेलने में और इसे देखते हैं बहुत बढ़िया पुलिस से बैलेंस में पड़ी थी और पीछे से आकर और बहुत शानदार टैकल, शानदार मौका था वहां पर विपक्षी डिफेंडर को साथ में लेकर अपने वापस खेमे में जाने का, लेकिन जब पीछे से बात होता है तो आपके पास समय पर्याप्त नहीं होते हैं, आपकी नजरें सामने की तरफ होती है और आप पूरी तरह से ब्लॉक कर लिए जाते हैं और क्या शानदार टैकल यहां पर बहुत ही तेजी के साथ बुद्धि के साथ चतुराई के साथ दिखलाते हुए यहां पर देर के भी के डिफेंडर ने खत्म कर लिया खिलाड़ी को। इसे बीच एक बार फिर से लंबे उचित के बोनस पॉइंट ऑन है नहीं यहाँ पर, जब भी रन अर्जित करना होगा तो एक किसी न किसी को टच कर वापस आना होगा अपने खेले में, तो पापा नहीं यहाँ पर एक बार फिर से शानदार खेल समय चलता हूँ। सभी खिलाड़ी पूरे समर्पण के साथ निमंत्रता के साथ अपने सब कुछ प्रदर्शित करते हुए और इसी बीच एक और पॉइंट हासिल होता होगा देने के टीम को। तीसरा मुकाबला इस समय और एक बार फिर से ये जीवंतता जबरदस्त वैशाली के खिलाड़ी बहुत शानदार प्रदर्शन करते हुए देर आते हुए लेकिन दुरुस्त आए हैं और सारी तकनीकी टीम सारी रेफरी इस प्रतियोगिता के बधाई के बाद है और उनका काम बहुत मुश्किल भरा होता है और पटना पायरेट्स के मुख्य कोच श्री नरेंद्र कुमार और तकनीकी समिति के सदस्य भी हमारे साथ लगातार इस मुकाबले का लुक उठाते हुए और प्रतिभा को तलाश करने की जो एक सोच है यही कारण सत्यदेव मल्टी से प्रोसेस है कि हॉस्पिटल प्रयास नहीं करने का, लेकिन यही होता है जब एक बचपन आप अपने को कहीं ना कहीं लगता है जैसे बहुत आराम से निकल जाएंगे उसी समय आप झकड़े जाते हैं और टैकल कर लिए जाते हैं और वही वाइस समय बहुत ही और इसीलिए कहा जाता है कि एक बार फिर से देखा जाए तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं देखने को मिलता हुआ यहाँ पर देखने को मिलता हुआ थोड़े से हलचल यहाँ पर कोर्ट के अंदर देखने को मिलते हुए और यहाँ पर उड़ान भरने की कोशिश कट निकलने की कोशिश थी लेकिन जकड़े गए पकड़े गए वहां पर बिल्कुल बीचों बीच खेले में और इस तरह से बाहर किया धुएं भी है और सुपर टैकल भी हमें देखना होगा कौन सी टीम बाजी मारती है इस सुपर टैकल या धुएं डायरेक्ट में। लीडर को हर हाल में अंकर्जित करने होंगे नहीं तो ऐसे भी ऑफ होकर वापस जाना होगा। देखना होगा और यहां पर देखना है सुपर एट होने से
बाल बस्ती की टीम ने दे विकेट लेकी तीन सुपर रेड होने से और कर कर टीम की अंकों में बढ़ोतरी दिखला करते हैं। यहाँ पर काफी शानदार तरीके से यहाँ पर खेल का नजारा यहाँ पर देखने को मिलता हुआ बहुत ही खूबसूरत नजारा। और इस रात्रि में जब वे लाइट के बीच में जब खेल का मुकाबला चले तो फिर देखने का जो देर के लिए वैशाली की थी तक देखा जाए तो शानदार नमूना पेश किया है दोनों टीमों ने अपने प्रदर्शन से पहले हाथ में देखना होगा क्या इस रेट में कोई अंतर जीत कर करने जाते हैं कि नहीं। प्रयास जरूर किया था वहां पर कोशिश जरूर की थी थोड़ी बहुत और अधिकारिक रूप से जो लाइन क्रॉस करने का होता है उस लाइन को क्रॉस करने फिर वापस से मिडिल लाइन के करीब आकर आप उसके लिए लौटते हैं बहुत ही निष्ठा के साथ। और इस समय दोनों टीमों के खिलाड़ी इसमें काफी है अपने प्रदर्शन को भी खेलते हुए और प्रदर्शित करते हुए हासिल किया यहाँ पर देवी की टीम थोड़े से यहाँ पर हलचल देखने को मिलते हुए तेजी के साथ यहाँ पर खेल संदीप कभी कभी अति आत्मविश्वास आपको ले लूटता है और इसका सीधा उदाहरण आपने देखा है बिल्कुल तुझे वही कुछ घटित हुआ वहां पर फिर अति आत्मविश्वास यदि आपके अंदर जहन में पैदा हो जाता है तो फिर आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। अंतिम वक्त तक आप अपने आप को विश्वास के साथ और चपलता दिखलाते हुए फूर्ती दिखलाते हुए वापस सुनिश्चित करें तो कहीं ना कहीं आप सफल होंगे या यदि आप थोड़ी सी भी रीड करने में ढीलापन पड़ जाते हैं थोड़ी सी भी फूर्ती कम दिखती है नजरे कम पड़ती है नजरे वहां पर भटकती है दुर्घटना घटित होते हुए दिखती है कोच के अंदर एक बार फिर से वहां पर देखना होगा और यहां पर फिर से देखिए वही हुआ काफी थोड़ी सी सुस्ती दिखी रेडर के अंदर में और उसका बहुत ही चपलता के साथ जो लाभ उठा रेडर की सुस्ती और देव अकेडमी की मस्ती बिल्कुल सही कहा रोशन से रेडर की सुस्ती और देव अकेडमी की मस्ती और जश्न मनाने का मौका मिला इस एक अंक के साथ है। एक बार फिर से यहाँ पर यहाँ पर इसलिए कोशिश जरूर यहाँ पर अंक अर्जित करने की लेकिन नहीं वैसा कुछ नहीं दिखता हुआ समय व्यतीत करते हुए यहाँ पर सभी तमाम टेक्निकल कर्मी और रेफरी के द्वारा इस आर एस ए मेमोरियल कबड्डी प्रतियोगिता का खेल का बिल्कुल निष्ठा भाव से आगे की ओर बढ़ाते हुए हर मुकाबले को अब तक के दो मुकाबले को बहुत ही शानदार तरीके से समापन किया है और तीसरा मुकाबला इस समय खेला जाता हुआ वैशाली और देव के बीच के बाद बहुत ही बेहतरीन सहयोग स्टार्क कैफे सत्यदेव ने सुपर स्पेशलिटी है सेकंड को उठा पाए 9 8 7 6 5 4 बिहार राज्य कबड्डी संघ और साथ ही साथ बिहार राज्य प्राधिकरण का सहयोग और तमाम बिहार के खेल पत्रकारों का सहयोग एक सच्ची श्रद्धांजलि देने की भरपूर कोशिश की गई है दिवंगत तीनों ही पत्रकारों को जिस चीज से जाने जाते और ये देखिए दोनों ही यहाँ पर खिलाड़ी आपस में अपने विश्वास करें लीडर को अंदर रखा गया है और डिफेंडर को बाहर भेजा गया है हासिल होता हुआ
और इस तरह से एक बार फिर से देखना होगा। काफी खुशी के साथ बोनस पॉइंट ऑन है, कोशिश की जा रही थी बोनस पॉइंट का जीत किया जाए। और यहाँ पर काफी खूबसूरती के साथ आगे से टैकल कर लिए गए, बाहर कोर्ट से कर दिए गए और इस तरह से एक और पॉइंट अर्जित होता हुआ वैशाली टीम को। शानदार खेल चलता हुआ, बहुत ही समय अकेडमी के खिलाड़ी मौजूद थे, यानी कि जो आधिकारिक तौर पर कोर्ट में मौजूद होते हैं खिलाड़ी, वो सारे खिलाड़ी यहां पर दिख रहे हैं, सातों खिलाड़ी। और कहीं ना कहीं ये बुद्धि का खेल खेला गया, काफी तेजी के साथ रेड कर वापस आए। कोशिश की जा रही है कि टू एंड डाई में खिलाया था सामने वाले खिलाड़ी टीम को, वही कोशिश में लगे हुए देखे खेलने के लिए। और वही और रेडर को और दिया गया है यहाँ पर टाइम ऑफ कराते हैं, लेकिन आपके अंजाम कैसे होते हैं वो कहीं ना कहीं खास करके अहमियत रखती है। और संदीप आयोजक से कंसिस्टेंसी इज Tomorrow from 8 a.m. morning. तीन खिलाड़ी ऐसा लग रहा है, तीन खिलाड़ी यानी सुपर 22 22 इक्वल पर। और दोनों टीम इस समय बराबरी पर खेलती हुई, और बिल्कुल जो सुपर रेट तो जरूर देखने वाला, बहुत ही रोमांचित कर देता है सुपर रेट। और बराबरी के मुकाबले पर काफी मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसी बीच एक और सुपर ओवर यहाँ पर वैशाली के खिलाड़ियों के द्वारा देखने को मिलता हुआ। और इस सुपर ओवर के साथ देव एकेडमी टीम से आगे निकलते हुए वैशाली की टीम काफी काठी की मुकाबला और संघर्षशील मुकाबला जद्दोजहद चलता हुआ दोनों टीमों के बीच। दोनों ही टीम एक दूसरे से कम नहीं दिखती हुई समय एक बार फिर से काफी गर्माहटी समय दिखता हुआ मुकाबले में। जब टीम बिल्कुल बराबरी पर होती है तो मुकाबला काफी चसर हो चला जाता है। और इस समय फिर से कोशिश यहां पर देव एकेडमी की टीम और पीछे से पावर, लेकिन उससे पहले ही काम को अंजाम दे दिया गया था। मिडिल बिल्कुल की समाप्ति समय हो गई वैशाली सचिव मौजूद की कोर्ट में, और साथ ही साथ काफी धैर्य के साथ। और बहुत देखना होगा यहाँ पर प्रैक्टिस छोड़ दे यहाँ पर होते हुए थोड़ी सी
किया जा रहा है। चलो ठीक है, हम जानते बात बात कर रहा हूँ। जितने भी दर्शक बैठे हैं, जो खिलाड़ी भी बैठे हैं, उनसे निवेदन है कि लिंक अपने घर वालों के साथ शेयर करते हैं, ताकि उसके लिए हमारे लिए लगातार इस लाइन का लाइव प्रॉमिस करते हुए अपने दोस्तों से उस लिंक को शेयर करना, ताकि वो भी इस मुकाबले का लुत्फ उठाते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसकी व्यूज पहुँचे और बिहार कबड्डी को एक नया आयाम दिए। लोगों से खेल क्रांति पनपती है, खेल का माहौल बनता है और खेल के प्रति एक नई तरह की जोश और ऊर्जा बढ़कर सामने आती है। 29 वैशाली, 26 देवेकर भी फेवर ऑफ वैशाली। सो 3 अंकों से पीछे देवेकर में लगता है कि वो अलग तरह के मूड में आए हैं, कुछ भी कर लेंगे, जोश जुनून के पास। रेडे टेंथ अनमोल, फर्स्ट बॉल सारे बच्चे जैसे हैं, जुनून के साथ कमेंट्री करते थे और ये भी बहुत अच्छे स्पोर्ट्स कमेंटेटर हैं और हर खेल का इनका अनुभव है, अनुभव इनके पास ही और खेलों की तकनीक पक्ष को बहुत सलीके से समझते हैं, जानते हैं और उसके बाद अपनी जादुई आवाज के माध्यम से आप सबों का आंखों का हाल सुनाते हैं। फिलहाल आसानी से अपने घर में सुरक्षित लौट आए वैशाली की टीम, इस समय बढ़त बनाए हुए पल में थोड़ा संभाली। 31 वैशाली, 27 देवेकर में। थैंक यू कंट्री कमेटी के सदस्य, सही से एक बार फिर वैशाली को मिलेगा पॉइंट। वैशाली की टीम तो हाव हाव बदल से गए हैं सब देखो, सारी भाषाएं पहले टीम टीम की अच्छी लग रही थी, मजबूती उनके कंधे जा रहे ओभरे हुए लग रहे थे, लेकिन अपने प्रदर्शन से आश्चर्यचकित कर सकते हैं और फिर आश्चर्यचकित किया, फिर 2 पॉइंट मिले। क्या कहना चाहेंगे सरदीप, वैशाली की टीम तो बहुत तेजी के साथ पॉइंट बनाते हुए था। जा बिल्कुल, जैसे जैसे वैशाली और वैशाली 34 अंकों के साथ लीड कर रही है और मैं कुछ जैसे जैसे अंक बटोरते हैं वो टीम के कंधे और भरते चले जाते हैं, मनोबल दुगनी होती चली जाती है और दुगनी ऊर्जा के साथ है और बेहतर खेल खेलते हुए दिखाते रहते हैं। और यहां पर कबड्डी के कोर्ट का गठबंधन राजनीतिक गठबंधन से कुछ अलग होता है, इसमें पूरी एकजुटता होती है, संपूर्ण समर्पण होता है। और वही यहाँ पर कोशिश की जाती है और मुझे जब भी टैकल होते हैं तो देखते होंगे दोनों कॉर्नर पर 2 खिलाड़ी आपस में हाथ जोड़े रखते हैं और एक चैन बनाते हैं और कहीं ना कहीं पीछे से बाहर या आगे से बाहर करते हैं उसे टैकल करने की कोशिश की जाती है। आप देख सकते हैं राइट और लेफ्ट कॉर्नर पर दोनों खिलाड़ी आपस में हाथ जोड़े रहते हैं। और इसमें 4 खिलाड़ियों के बीच यहाँ पर जद्दोजहद करते हुए हमको अर्जित करने के लिए ले जाते हैं। डू एंड डाई यहाँ पर देखना होगा
क्या कर पाते हैं इस पॉइंट आई में। और यहाँ पर काफी तेजी के साथ फुर्ती के साथ नजर ठिकाने में थी नीचे की तरफ यानी थाई फाइट के ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पे, लेकिन ब्लू एंड आई यहाँ पर वैशाली की टीम की भी यहाँ पे देखना होगा इस सुपर टैकल में। पिछली बार सुपर टैकल में यहाँ पर सफलता हासिल किया था देवकी टीम की, लेकिन इस बार बैटिंग के मदद से यहाँ पर अंक अर्जित करती हुई और लगातार यहाँ पर उस शानदार खेल को कहीं ना कहीं डिजिटल तरीके से लोगों तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की जाती है और उसमें हीरो ऑफ स्पोर्ट्स का बेहतरीन योगदान तारीफ करनी होगी राकेश कुमार को। और तेजी से इंजीनियर है लेकिन कहते हैं कि जब तक आपको खेल की ओर झुका हो, खेल की ओर आपकी तरफ प्रेम और प्यार हो जाए तो फिर आप कहीं ना कहीं उस क्षेत्र को छोड़कर आप जुड़ जाते हैं जहां पर आपकी दिल की जरूरत हो जाती है, प्यार हो जाता है, उसको समर्पित कर देते हैं अपने सारे कुछ और वही करते हुए यहाँ पर राकेश लेकर इस समय एक बार फिर से यहाँ पर वैशाली के खिलाड़ी लंबी ऊंची करके बैकिंग के सहारे यहाँ पर कोशिश जरूर अंक अर्जित करने का प्रयत्न है। पूरे डीप में जा रहे हैं डिफेंडर हाई और कोई अंक अर्जित नहीं किया यहाँ पर, रेडर ने वापस जमा हुआ खाली हाथ फिर यहाँ पर अब चार खिलाड़ियों का जमा हुआ यहाँ पर कोर्ट पर डिफेंडर का और इस थर्टी सेवन थर्टी सिक्स वैशाली थर्टी थ्री देवकी यानी तीन अंकों का अंतर यहां पर 36-33 का इस समय खेल चलता हुआ 36 अंकों के साथ बढ़त के साथ वैशाली की टीम और चुकी और यहां पर कोशिश जरूर था पीछे से यहां पर बाहर करने का लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। उससे पहले ही एक डिफेंडर को वहां पर एक बार फिर से यहाँ पर कोशिश लगातार ये देखिए जब आप इस तरह से लगातार चहलकदमी करते हैं और फुर्ती के साथ कभी इस कॉर्नर को कभी उस कॉर्नर को पीछे की तरफ खींचते हैं तो कहीं ना कहीं डिफेंडर अपने संतुलन खो बैठते हैं और उसमें आपको सफलता मिल जाती है और बहुत ही जल्दी टच का और कुछ जल्दी ही कहीं ना दिखा अपना जल्दीपन दिखलाया वहां पर डिफेंडर ने और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है जो एक वापस जाने पड़ रही है। और यहाँ पर बिल्कुल देखा होगा क्या यहाँ पर परिणाम आते हैं। दो अंक यहाँ पर मिलते हैं आपस में दोनों एक ही बात किया वहां पर आमने सामने जो मिडिल पॉइंट पर जो मुख्य रेफरी होते हैं आमने सामने और दो सहायक रेफरी दोनों टीमों के खेलने के पीछे खड़े रहते हैं यानी कि बैकलाइन जो होता है दोनों साइड के उसे कहीं ना कहीं कई नजरों से देखते हैं कि किसी खिलाड़ी का बैक तो कहीं ना उस बैकलाइन से पीछे चल जाता है और यदि दोनों है टीम पूरी तरह से कहा जाए तो एकता के साथ बिल्कुल जबरदस्त समर्पण
के साथ यहाँ पर अपने प्रदर्शन को विकेट की भी सुपर टैकल ऑन है यहाँ पर कोशिश बैक किक के द्वारा लेफ्ट कॉर्नर के एक सिंगल खिलाड़ी को आउट करने की कोशिश वैशाली के रेडर के द्वारा खाली हाथ आते हुए यहाँ पर सुपर टैकल भी खाली रह गया है मौका था यहाँ पर अभी भी यहाँ पर देखना होगा यदि किसी डिफेंडर को टच कर वापस आते हैं तो बोनस पॉइंट ऑन है यहाँ पर छह खिलाड़ी मौजूद है इस समय कोर्ट में और वैशाली की टीम निरंतर अपने खेल को जारी रखते हुए लेकिन इस बार तीन गेंद की बारी उठाकर पटक दिया सीधे कबड्डी के कोर्ट पर पटकनी की है और इस तरह से कुश्ती का नजारा देखने को मिलता है और जॉब है अक्सर कुश्ती के नजारे देखने को मिल जाते हैं कबड्डी के कोर्ट पर और वही कुछ घटित हुआ पिछले अभी भी वैशाली की टीम आगे है और आगे एक पॉइंट फिर चलते हुए वैशाली की टीम को और वैशाली पहुंच गई है उनका फर्स्ट ओवर में अब अंक हो गया है हरियाणा से छह अंक हो गए यहां पर टीम अकेडमी के खिलाड़ी को वहां पर इशारा किया जाता है एक अंक फिर मिलते हुए वैशाली की टीम को बकेत्री वैशाली थकी है देर के लिए अकेले चला भार नहीं फोड़ता जो अपने ऊपर से प्रेशर फुल गेम खेलेगी वो इस मुकाबले को जीत ले जाएगी और वो सीधे पहुंचेगी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबले की ट्रॉफी रखी हुई जिसके लिए जद्दोजहद और सब कुछ श्रद्धांजलि बिहार के खेल संघों के पत्रकारों खिलाड़ियों पदाधिकारियों की तरफ से यहाँ के तीन दिवंगत खेल पत्रकारों के श्रद्धांजलि और श्रद्धांजलि का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता आप खिलाड़ियों और काफी संख्या में हम अभी ऑफर आई रहे 39 दे रखे थे 47 6 से वैशाली ये जबरदस्त कहा हम खेले हैं गेम अकेडमी को दो और तालिका में अब कम का ही फासला वैशाली 41 दे रखे थे 41 पर पहुंच गए मेरे कंडीशन भी क्या कुछ घटित होगा जब बिल्कुल जो अंतिम वक्त पर धैर्य बनाए थे और अपने सब कुछ निछावर के लिए और खास करके पॉइंट बनाने में एक बार फिर से दबाव में थोड़ी जरूर है कुछ कर गुजरना होगा तो देव अकेडमी की टीम को क्योंकि वो टीम पिछड़ रही है इस समय वैशाली की टीम कोशिश कर रही है कि ज्यादा कुछ अतिरिक्त नहीं करना What a thrilling contest between these two sides, and both the sides seem to be much stronger than each one.
कमाल का प्रदर्शन पहले साली के खिलाड़ी रेडर इस समय टेन सेकंड को खिलाड़ी मिलते हुए और इस तरह से चमक रहे हैं यहाँ पर और अपने चरम पर रोमांचक अपने चरम पर और के खिलाड़ी को सफलता मिलती हुई दिया है और थोड़ी सी भी दबाव में नहीं देखते हुए पूरी तरह से शानदार खेल का नजारा दिखलाती हुई वर्षालू की टीम काफी हावी है इस समय अंतिम क्षणों में यहाँ पर देवी कटनी के ऊपर और थोड़े खंदे धीरे पड़ते हुए जरूर दिख रहे हैं देवी कटनी की टीम के ऊपर लेकिन कबड्डी ऐसा खेल है अंतिम रिश्तों में भी टाइम का पासा हो जाता है तो ये बात को जीवन में रहना होगा देवी कटनी की टीम और देखिए अंतिम सेकेंड में उन्होंने नेट देखने को मिला और खिलाड़ी पूरी तरह से हवा में तैर रहे थे और उन्होंने क्रॉस कर दिया मेरे पॉइंट को और अंक अर्जित कर लिया तो ये है कबड्डी का नजारा ये है कबड्डी का उत्साह इस समय कहा जाए तो बीचों बीच कोर्ट का पासा ऐसे नहीं पलटना संदीप पासा पलटने के लिए आपको शानदार खेल दिखाना होगा अपने आप को झोंकना होगा अपने आप को संघर्ष की भक्ति में तपाना होता है आपके पास जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक इस तरह के अंतिम क्षणों में आप दबाव नहीं खेल पाएंगे और इस तरह की प्रतियोगिताएं यही काम करती है खिलाड़ियों में एक तरह का उत्साह होती है और इस तरह से वैशाली के खिलाड़ी को आसानी के साथ टेकल कर लिया और इस तरह से पॉइंट शेवर में देव अकेडमी को बढ़ी है 43 के देव अकेडमी पांच अंकों का अंतर क्या अंतर बरकरार रह पाएगा यह फिर देव अकेडमी की टीम वापसी करेगी और खुद बाहर चले गए और अब अंतिम क्षणों का खेल बचा है देखना है कि वैशाली के खिलाड़ी वैशाली आपको पता होगा कि गणतंत्र की जन्मस्थली बनी जा सकती है बहुत ही ऐतिहासिक शहर का ऐतिहासिक महत्व रहा है इस शहर का और लक्ष्मी राजवंश की राजधानी हुआ करती थी गणतंत्र की जननी कहलाता है वैशाली तो मुकाबला खत्म हो गया है वैशाली को मिली है जीत